hello and welcome to the practical application of uh, absolute referencing um, here I'll, I'll let you know how how we can build a multiplication table in an M, uh, in the in the ms excel sheet okay so i'll just uh, share the the multiplication table with you uh, this is what i have made like one um, over here 1 to 10 one to 10 over here so one ones are one one twos are two one threes are three uh, this will be our table

ठीक है उसके बाद यहां भी आके कंट्रोल डी कर देते हैं तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा फॉर्मूला अपने आप बट uh, क्या ये पॉसिबल है मैथमेटिक्स में तो पॉसिबल नहीं है uh, कि अगर हमने अगर हमने सपोज करो फाइव वन या फाइव होगा राइट फाइव वन या वन ट्वेंटी तो होगा नहीं तो हो क्या रहा है एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्लियर ये इसको आप ध्यान रखना कॉलन ए है और रोज जो ये कॉलन है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच है ठीक है आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि कॉलन जो है वो ए बी सी डी है और रोज जो है वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन है क्लियर अगर हमें ये पता है कॉलन ए बी सी डी है रोज वन टू थ्री है तो समझना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा अब हमें करना क्या है एग्जैक्टली हम चाहते हैं ये ए टू ये वाला सेल राइट जो एड्रेस यहाँ पे मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सेल एड्रेस यहाँ से हम देख सकते हैं इस ए को आपको बी से सी से डी से ई से मल्टीप्लाई करना है ठीक उसी तरीके से इस ए को बी वन सी और ई से मल्टीप्लाई करना है तो आप एक चीज ध्यान रखना जो आपका रो नंबर वन है वो फिक्स है वो चेंज नहीं हो रहा रो नंबर वन चेंज नहीं हो रहा आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए क्यों दोबारा समझते हैं ये जो आपका ए टू है उसे आप मल्टीप्लाई करोगे बी वन से बी वन मतलब कॉलन बी रो वन उसके बाद मतलब कॉलन सी रो वन डी वन मतलब कॉलन डी रो वन इसका मतलब रो चेंज नहीं हो रहा और यहां पर ए टू यहां पर ए टू से मल्टीप्लाई करेंगे बी वन को फिर ए थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे बी वन को फिर ए फोर को मल्टीप्लाई करेंगे B1 से तो यहां आपका कॉलन चेंज नहीं हो रहा अब एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग लगाते हैं उसी से मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जिसको आपको चेंज नहीं करना उसमें आप डॉलर साइन लगाएंगे एफ एन और एफ फोर के साथ मैं करूंगा अब यहां पर ए फोर ए पे भी डॉलर लग गया टू पे भी डॉलर लग गया इसका मतलब ये हुआ कि यह सेल को ए टू को फिक्स कर देगा जो कि हमें चाहिए नहीं हमें यहां पे क्या फिक्स करना है

इसका मतलब यह हुआ कॉलन तो हमने फिक्स कर दिया क्लियर अब दूसरी चीज का ध्यान रखिए जो हमारा रो नंबर वन है वो भी तो फिक्स है और रो नंबर वन कहा अब क्यों इस ना इसको कॉपी करें यहां से यहां पेस्ट कर दें फिर इसको यहां भी पेस्ट कर दें अब ये डेटा मल्टीप्लीकेशन टेबल में कन्वर्ट हो गया क्लियर? एक बार दोबारा अगर रिलेटिव रेफरेंसिंग से करते हैं तो देखिए कितना बड़ा मैसअप हो रहा है राइट right? अगर हमने रेफरेंसिंग से करा, तो ये टेबल बन के तैयार हो चुका है इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाते हैं हमने यहाँ पे नाम दे देना है मल्टीप्लीकेशन टेबल आपको रेपटेक्स बताया था मैंने ऑलरेडी रेपटेक्स हो गया है आपको मैंने ऑटो फिट के बारे में बताया था इसको सेंटर कर दो आप, कोई जो भी कलर करना है कर दो आप ठीक है करना है, आपको मैंने बताया था ऑल टेच भी मल्टीप्लीकेशन टेबल आपका रेडी है क्लियर हमने क्या सीखा हमने ये देखा ट्रेंड क्या है ट्रेंड ये था हमारा जो रो नंबर वन है वो चेंज नहीं हो रहा और कॉलन नंबर जो ए है वो भी चेंज नहीं हो रहा इसीलिए हमने डॉलर साइन इस वन के आगे लगाया और डॉलर साइन कॉलन ए के आगे लगाया तो ये था रेफरेंसिंग का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिस इज़ हाउ यू मेक यू प्रिपेयर मल्टीप्लिकेशन टेबल इन दी एम शीट नाउ वी आर वेरी मच रेडी टू लर्न लुकअप फंक्शन विच विल बी इन दी नेक्स्ट कमिंग केयर